ये कथा आपने सुनी हुई भागवत में इसका वर्णन है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय नेगी, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल संजय नेगी ब्लॉग्स में वेलकम। दोस्तों अगर आप YouTube पर नए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को हिट जरूर करें, जिससे कि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। दोस्तों आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं देहरादून के दूसरे सिद्ध यानी कि मानक सिद्ध, जो कि भुट्टी गाँव शिमला बाईपास रोड से 1 किलोमीटर अंदर है। और आज हम दिखाएंगे आपको कि वहाँ की क्या क्या मान्यताएं हैं और कैसे कैसे करके वहाँ पहुँचते हैं। हम लोग अभी आपको दिखाएंगे रिस्पना पुल से वहाँ का पूरी लोकेशन जाते हुए, और दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें बीच में आती है और कितनी दूरी है। तो दोस्तों बने रहें वीडियो में और आपको ले चलते हैं मानक सिद्ध। दोस्तों हम लोग अब पहुंच चुके हैं मानक सिद्ध मंदिर, और बहुत ही शानदार व्यू और मौसम भी बड़ा अच्छा हो रखा है यहाँ पे आज, और चारों तरफ हरियाली हरियाली है। और आसपास में अगर हम देखेंगे तो गांव है, पूरा बुड्ढी गांव आगे जाकर।
मानक सिद्ध पीठ मंदिर है जो शिमला बाईपास रोड पर बुड्ढी चौक से अंदर जंगल में रोड जाती है यहाँ पे स्थित है। यहाँ ये जो प्राचीन मूर्तियाँ हैं जो आप देख रहे हो ये त्रेता युग की मूर्तियाँ हैं। जहाँ पे ये कथा आपने सुनी हुई भागवत में इसका वर्णन है कि तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सती अनुसुईया की सतीत्व की परीक्षा लेने गए। वहाँ जाकर के उन्होंने कहा कि माता मुझे भोजन कराओ, तो माता ने कहा भोजन कराएंगे, तो ये कहने लगे कि मुझे आप भोजन जो है निर्वस्त्र होकर के कराएंगे। तो सती अनुसुईया ने हाथ में जल लिया कमंडल में से और मंत्र पढ़ के महाराज, तो ये तीनों देवता जो थे शिशु रूप बन गए। तो उन्होंने दुग्ध पान कराया, उसके बाद पालना डाल दिया, ये झूलते रहे। समय बीतने के बाद तीनों सत देवियाँ आईं, कहने लगी कि हमारे पति देव यहाँ आए थे, तो उन्होंने कहा यही है आपके पति देव, पहचान लो कौन किसका है। उन्होंने कहा माता अब इनको पुनः उसी रूप में परिवर्तित कर दीजिए। तो सती अनुसुईया ने फिर कमंडल में से जल लेकर के मंत्र पढ़ के और जो मारा, तो ये अपने स्वरूप में आ गए। तब तीनों देवताओं ने सती अनुसुईया से कहा कि माता अब हम ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देव हैं, आप हमसे वरदान मांग लीजिए। तो सती ने कहा वरदान कि हमारी कोई ऐसी इच्छा तो है नहीं, अगर आप वरदान देना ही चाहते हैं तो तीनों ही हमारे उदर से जन्म लें, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के अंशा अवतार जो गुरु दत्तात्रेय हैं, ये इनकी मूर्ति है, इधर देखो सामने जो फोटो, जिनके तीन सिर और छह भुजाएं हैं गुरु दत्तात्रेय, बोलिए गुरु दत्तात्रेय महाराज की जय। गुरु दत्तात्रेय के नवनाथ हुए, नवनाथ जो आप जानते हो गोरखनाथ बालकनाथ मच्छंद्रनाथ चौरंगीनाथ इत्यादि नवनाथ, नवनाथ के जो 84 शिष्य जो 84 सिद्ध थे, 84 सिद्ध जिन्होंने जन कल्याण के लिए इस भारतवर्ष में तप किया है, तो ये भारत में जगह जगह उनकी तपस्थली है, सिद्ध स्थान हैं। देहरादून में मुख्यतः चार सिद्ध स्थान हैं, ये शिमला बाईपास रोड पे मानक सिद्ध सिद्धपीठ और हरिद्वार बाईपास रोड पे लक्ष्मण सिद्ध सिद्धपीठ मंदिर है, और इधर आपका डोई वाला साइड में कालू सिद्ध मंदिर है, इधर प्रेमनगर नंदक चौकी से आगे जा करके ये मांडू वाला की तरफ मांडू सिद्ध मंदिर है। तो ये चारों सिद्ध देवताओं ने यहाँ जन कल्याण के लिए तप किया है, तो ये तपस्थली है, सिद्धपीठ है। ये जो पौराणिक मूर्तियाँ आप देख रहे हो ये त्रेता युग की हैं, इन्हीं पे मानक सिद्ध बाबा ने तपस्या की है। ऐसी मूर्तियाँ आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी, जहाँ पौराणिक मूर्तियाँ होंगी वही मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ की मान्यता यह है, लोग आते हैं अपनी मनोकामना लेकर के और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, यहाँ पूजा पाठ जप तप इत्यादि भी चलता रहता है, और विशेष तौर से वैसे तो रोज ही आते हैं लोग, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन रविवार के दिन यहाँ ज़्यादा भीड़ रहती है, भंडारा भी होता है, और गर्मी के मौसम में यहाँ एक एक दिन में दो दो तीन तीन चार चार और पांच पांच भंडारे भी होते हैं, काफ़ी भीड़ होती है। और पौराणिक सिद्ध पीठ है, तो यहाँ की ये मान्यता है कि यहाँ जो ये शुद्ध गुड़ का प्रसाद चढ़ता है और यहाँ से जो है लोग आते हैं, लोगों की मनोकामना इच्छा पूर्ण होती है वो आकर के बताते हैं, और तब कोई भंडारा करता है, कोई कुछ, कोई इस तरह से। ये यहाँ जो मानक सिद्ध का सिद्धपीठ है, यहाँ इस समय पर वर्तमान में मैं अवध बिहारी शुक्ला यहाँ का पुजारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी।